हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो जेनरिक स्टार्टअप्स है वो ब्रांडेड जो मेडिसिन हैं, क्योंकि डॉक्टर्स केवल ब्रांडेड मेडिसिन को रिखता है तो वहां पे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ये हमारे एक व्यूअर्स की क्वेरी है जिन्होंने पूछा है कि मोस्टली डॉक्टर्स ब्रांडेड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस केसेज में जो जेनरिक स्टार्टअप्स है वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। बेसिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ड्रग्स को समझना होगा। ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट वे के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हम सेलिंग टाइप के हिसाब से बांटते हैं तो हम उसको दो तरह में बांट सकते हैं। एक होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और दूसरी होती है ओटीसी ड्रग्स। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं उनको बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उनको एक सुपरविजन की जरूरत होती है, इसीलिए उनको प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट ही सेल आउट किया जा सकता है। जो ओटीसी ड्रग्स होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम साइड इफेक्ट वाली होती है और प्रूव हो चुकी होती है उनकी सेफ्टी कि इनका जो साइड इफेक्ट होता है अगर उनको किसी सुपरविजन के बिना भी लिया जाए तो भी वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, इसलिए उनको ओटीसी कैटेगरी में रखा जाता है। ओवर द काउंटर ड्रग्स उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल आउट किया जा सकता है। और अगर हम इनोवेशन के हिसाब से ड्रग को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती है, ब्रांडेड ड्रग्स आ जाती है, जेनरिक ड्रग्स आ जाती है। तो हम अगर प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी दोनों की बात करते हैं, दोनों में ही आपको दोनों तरह की ड्रग्स मिल जाएगी। आपको वहां पर ब्रांडेड ड्रग्स भी मिल जाएगी और आपको जेनरिक ड्रग्स भी मिल जाएगी। तो अगर सर्वाइवल की जब बात आती है तो अगर हम ओटीसी ड्रग्स की बात करते हैं तो वहां पे प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन को थोड़ा रेट कंपटीशन में आ जाती है। आप थोड़े बेटर रेट देते हैं, थोड़ा ज्यादा मार्जिन देते हैं केमिस्ट फार्मेसिस्ट को, तो आप वहां पे सेल आउट करने के लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आप अच्छे रेट दे रहे हो, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन में उनको मार्जिन ज्यादा नहीं मिल पाता और जेनरिक मेडिसिन की जब बात आती है तो उनमें उनको अच्छा मार्जिन मिल जाता है, तो वो उसको इसलिए सेल आउट करना चाहते हैं। वहां पे उनका सर्वाइवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं होती। जब हम प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है, प्रिस्क्रिप्शन जब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है, मेनली वही इशू है जो क्वेरीज में पूछा गया है, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ब्रांडेड मेडिसिन की होती है। तो वहां पे दो केसेज हो सकते हैं, या तो जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, वो इतना अवेयर होता है कि उसको पता है कि ब्रांडेड मेडिसिन थोड़ी महंगी होगी, अगर वो जेनरिक वर्जन इसका लेना चाहे तो उसको कंपेरेटिवली लेस पड़ेगा, तो वो जेनरिक वर्जन के हिसाब से जाए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट का फेथ उस पे ही बेटर होता है, वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कराना चाहता, तो वहां पे थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है जेनरिक जो कंपनीज है, जेनरिक स्टार्टअप्स है। लेकिन अगर हम इंडिया की थोड़ा सा डीप फार्मास्यूटिकल मार्केट की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। रूरल एरिया में तो अलग बात है, आपको अर्बन एरियाज में भी काफी ओपनली आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के इजिली मिल जाएगी। जो इंडियन जो पेशेंट्स है वो जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए, जैसे उसको फीवर है या कफ वगैरह है, उसके लिए वो डॉक्टर्स पे जाना बेटर नहीं समझता। उसको लगता है कि डॉक्टर की फीस पहले पे करनी पड़ेगी, 200-300 रुपए की फीस होती है एक MBBS MD डॉक्टर्स की, ज्यादा ही होती है, तो वो उसको पे करनी पड़ेगी। उसको पेमेंट करने के लिए वो केमिस्ट फार्मेसी या जो लोकली RMP वगैरह बैठे होते हैं उनके पास जाके वो अपना ट्रीटमेंट ले लेता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर जो RMP है या जो केमिस्ट है, जो फार्मेसिस्ट वगैरह है, अगर वो भी केवल ब्रांडेड मेडिसिन को ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट को उतनी ही कॉस्ट पड़ जाएगी जितने उसको हॉस्पिटल जाने में लगेगी। तो उसको लगेगा कि इससे अच्छा वो एक अच्छे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही इलाज करा लेता, कंपेयर टू अगर वो RMP या किसी फार्मेसिस्ट केमिस्ट वगैरह से ही मेडिसिन लेके काम चला है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो केवल जेनरिक मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, एक दो वो ब्रांडेड मेडिसिन को साथ में लगा देते हैं, बाकी वो जेनरिक वर्जन को साथ में लगा देते हैं ताकि जो पेशेंट को कॉस्ट पड़ रही है मेडिसिन की वो कम पड़े। तो वो एक मेजोरिटी ऑफ पार्ट है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की सेलिंग का भी। तो वहां पे भी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिक रही है, वहां पे भी ब्रांडेड की जगह जेनरिक वर्जन के चांसेस काफी है, क्योंकि जो केमिस्ट है, फार्मेसी है, जो RMP वगैरह बैठे हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनका पेशेंट है उसको कम से कम पैसे में ट्रीटमेंट दे ताकि लोग उसके पास आए, बजाय इसके कि वो एक हॉस्पिटल में जाना पसंद करे। तो वहां पे काफी चांसेस बढ़ जाते हैं जेनरिक्स जो स्टार्टअप्स है उनको एंटर करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे मार्जिन उनको दे, अच्छे रेट दे। इसलिए जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है इंडिया में वो थोड़ा सा रेट डिपेंडेंट चली जाती है। आप जितनी अच्छे देखो रिजल्ट तो आपके होने अच्छे होने जरूरी है ही, लेकिन जितने ज्यादा आप अच्छा रेट दे पाएंगे उतनी ही आप ज्यादा बल्क क्वांटिटी में अपना मटेरियल बेच पाएंगे।
तो जो सर्वाइवल होता है जेनरिक कंपनी का वो इसी तरह होता है, क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन का डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे बिकना है वो तो दूसरी बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत अच्छी परसेंटेज में जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, जो ओटीसी ड्रग्स है, वो डायरेक्टली केमिस्ट, फार्मेसी या जो मेडिकल स्टोर्स है या जो लोकल आरएमपी वगैरह बैठे हुए हैं उनके थ्रू बिकती है। तो वहाँ पे जेनरिक कंपनीज के पास काफ़ी चांसेस होता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, अपने स्टार्टअप को सर्वाइव कराने का। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।